गाइस, आप लोगों के मन में अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि BOID, क्लाइंट कोड और डीमैट अकाउंट नंबर कहाँ होता है और इसका पहचान कैसे करें। तो गाइस, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ और आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि BOID और डीमैट अकाउंट नंबर और क्लाइंट कोड का पहचान कैसे करें। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो और आसानी से आप BOID, डीमैट अकाउंट नंबर और क्लाइंट कोड का पहचान कर पाओगे। तो चलिए गाइस, देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न अथॉरिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो और BOID, क्लाइंट कोड, DPID और डीमैट अकाउंट नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, ये कितने संख्या का होता है और ये कहाँ पे होता है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आसानी से आप DPID, क्लाइंट कोड, BOID और डीमैट अकाउंट नंबर की आसानी से आप पहचान कर पाओगे। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आप गुरु एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट नंबर की पहचान कर पाओगे और BOID और क्लाइंट कोड की जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको गुरु एप्लीकेशन का पासवर्ड शो करता है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे गुरु एप्लीकेशन का, तो आपको अपने GMAIL ID के लोगो के ऊपर क्लिक करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के GMAIL ID के लोगो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल के नीचे आनी है। तो मैं सबसे पहले मैं गाइस सबको दिखाता हूँ कि मैंने गुरु के कस्टमर केयर से मैंने कंफर्म किया है कि DPID, क्लाइंट कोड, BOID ये सब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे हेल्प पर सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और माय टिकट वाला उसमें क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं कि मैंने गुरु कस्टमर से कंफर्म किया है कि DPID, क्लाइंट कोड और BOID क्या होता है। तो यहाँ पे कंफर्म मैंने कर लिया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे आप इसे देख पाओगे और इसका पहचान कैसे कर पाओगे। तो आपको मैं बैक में आता हूँ। तो सबसे पहले गाइस अपने माई अकाउंट के वाले ऑप्शन के अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पैन नंबर, उसके नीचे मेटेरियल स्टेटस, उसके नीचे जेंडर, नोमिनी नेम। तो आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो सबसे लास्ट में आपको यूनिक क्लाइंट कोड, डीमैट अकाउंट नंबर, BOID, DPID ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो 3-4 ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दे दिया गया यूनिक क्लाइंट कोड, तो ये जो है 10 संख्या का है। तो 10 संख्या में आप आसानी से यहाँ पहचान कर सकते हो। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो इसके सामने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर और BOID का ऑप्शन दिया गया है, तो स्लैश देके दिया गया है, बट यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 16 संख्या का दिया गया है। तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये डीमैट अकाउंट नंबर है या BOID है। तो मैं गाइस सबको बता दूं यहाँ पर कि पहला जो 8 नंबर है 16 संख्या का वो है DPID, उसके बाद जो लास्ट वाला जो 8 संख्या है वो है डीमैट अकाउंट नंबर, और दोनों को मिलाकर बना है BOID। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर अपना डीमैट अकाउंट नंबर इसमें से निकालना चाहते हो तो आपको लास्ट का 8 नंबर यहाँ से निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर निकल जाएगा। और इसमें से अगर आपको DPID तो आपको नीचे में दिख ही जा रहा है, तो यहाँ पे DPID कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर आप BOID पूरा कॉपी करना चाहते हो यहाँ से आप आसानी से कॉपी कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो किस प्रकार से अपना डीमैट अकाउंट नंबर का पहचान कर सकते हो, BOID का पहचान कर सकते हो और यूनिक क्लाइंट कोड और DP का आसानी से पहचान कर सकते हो अपने गुरु एप्लीकेशन में। तो गाइस अगर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है किस प्रकार से मैं BOID, डीमैट अकाउंट नंबर और क्लाइंट कोड, DPID की पहचान करूँ, तो मुझे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ट्रस्टेड नॉलेज वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लो टेक केयर, जय हिंद।